गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वक्त मैं हूँ विकास नगर में और सुबह के बज रहे हैं 12 और इस वक्त मेरा एक फ्रेंड आया हुआ पॉन्टा से और हम लोग उसकी बाइक का काम करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं रॉयल एनफील्ड नेशन पे। हियर आर रॉयल एनफील्ड नेशन। तो यहाँ की बहुत ही फेमस दुकान है। तो यहाँ पे अभी भाई ने देखो बाइक दे दी है, लगे पड़े हैं बाइक के साथ। बहुत सारे इशूज़ है बाइक में। एक्चुअली में बाइक गिर गई थी कल, जिसका हैंडल वैंडल ख़राब हो चुका है, साइड इंडिकेटर टूट चुका है। ये देखो भाई, ये भी गया इसका, ये भी गया इसका, इसका टायर भी गया पिछला, ये बचा हुआ। बट ये बाइक ना, ये वाली बाइक ना उस बाइक से बहुत ज्यादा बढ़िया है। लो आप खुद ही चेक कर लो। ये देखो बाइक नंबर 1 और ये द पॉन्टा राइडर की बाइक। व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस यार। बाकी मेरे वाले बाइक अभी ऐसा कर रहे हैं, इस वाली बाइक को यहीं पे दे रहे हैं और कुछ खाने पीने चल रहे हैं, बिकॉज बाइक पे लगने वाला बहुत ज़्यादा टाइम। तो जब तक टाइम लगेगा तब तक हम इसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं और घूमने फिरने में और खाने पीने में। और आज बाइक और आज भाई की बाइक ठीक करवा के इसे विदा करेंगे पॉन्टा। ये देखो, ये चेक करो, ये है वो शॉप, ये डाक पत्थर वाला टर्न है, विकास नगर वाले जानते होंगे। वहाँ सामने से टर्न लेके ये है रॉयल एनफील्ड नेशन, और ये अपनी रॉयल एनफील्ड और ये अपने भाई की रॉयल एनफील्ड। तो देखते जो कुछ भी होगा आपको बताएंगे यार। फिलहाल तो बहुत तेज़ धूप हो रही है यार, यहाँ से निकलते हैं बाइक देने के बाद और कुछ खाते पीते हैं और आपको इन बिटवीन मिलते रहेंगे। आज बहुत दिनों के बाद मेरा मूड हुआ है ब्लॉग करने का, तो इस ब्लॉग को मैं अच्छे से बनाऊंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा और एडिट करके पोस्ट भी टाइमली कर दूंगा। राइडर इज मेकिंग ब्लॉग्स। फुल पावर है इसमें बाइक में। यार हेलमेट तो बड़ा सही लग रहा है। इट्स अ ऑफ रोडर ब्रो, आई एम प्लानिंग टू बाय इट, इट हैज अ बट इट डजंट हैव अ वाइजर, नीड्स टू हैव अ वाइजर। ये सही है, ये भी सही लग रहा है यार, ये मैंने देखा था। उसमें ना एयर ब्लास्ट करता है। अच्छा हाँ, गैप्स रह जाते हैं। यूज किया ये। भाई जी कितना टाइम लग जाएगा बाइक में? अच्छा एक बात बताओ, 1.5 घंटा कम बता रहे हो? फैंसी की इंडिकेटर में ना यार पूरी लुक चेंज हो जाएगी बाइक की। ये सही है, अच्छे लगते हैं। बाकी टायर देख लिया? ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ हाँ, ये ना ना ना, ये हाँ, इट्स पैक्ड ब्रो। तो गाइस अभी बज रहे शाम के 4 और ये देखो करंट कंडीशन बाइक की। तो टायर तो डल चुका है, बाकी बैटरी अभी निकली हुई, बैटरी लगी हुई है चार्जिंग पे वहाँ पे। तो अभी ये देखो, ये आपने देखा था पहले, ये जुगाड़ हो रखा था, इधर लग गया नट और ये लगे हैं इसमें शॉकर के कवर, देन इंडिकेटर, हैंडल बार ये भी नया है। मुझे ऐसा लगता है अभी और भी बहुत सारी चीज़ें डलने वाली है इसमें, बट आज तो नहीं डलवाएंगे, हाँ फिर कभी आ जाएंगे। ये देखो ब्लैक का क्या हाल किया हुआ भाई ने। एक्चुअल में चलती बहुत कम है ये बाइक, बड़ी बड़ी ख़राब हो गई है। तो फाइनली बैटरी लगने जा रही है बाइक की और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर। कुछ अराउंड 5,500 का बिल हो चुका है अभी तक। ब्रो, यार इसका
था ना उधर वाला, लैंप भी नहीं चल रहा था, हम चेक कर लेते हैं। पता नहीं टूट गया है कि क्या हो गया, चेक कर लेते हैं। भाई 15 मिनट हो गए खड़े हुए यहाँ पे, ये भाई पता नहीं कहाँ गया है, वहाँ सामने गया था तेल डलवाने, अभी तक आया नहीं है यार। ऐसा ना हो कि आगे चला गया हो, पर मैं देख तो रही हूँ यार, काफ़ी देर हो गई वैसे। कोई ना, वेट करते थोड़ी देर और, मे भी शायद भीड़ ज़्यादा होगी पेट्रोल पम्प पर, मैंने भी देखा नहीं उस टाइम। अगर वो यहाँ पे हो गया तो उसके बाद मिलूँगा, फिर टाइम लग जाएगा, उसको मुझे छोड़ जाना है, तो बेटर है कि यहीं पर वेट करते हैं भाई का, आ जाएगा थोड़ी देर में। चलो चलो आ गया मैं।